पंचम स्कंध में दो महापुरुषों की कथा है और भूगोल खगोल की कथा है। पंचम स्कंध का नाम है स्थिति, और स्थिति का अर्थ होता है भगवान की व्यवस्था। ये व्यवस्था आपकी है, और ये जो सारे विश्व में व्यवस्था चल रही है ये भगवान की है। कौन सी व्यवस्था? सूर्य भगवान समय से निकलते हैं, समय से अस्त होते हैं, ये आपकी व्यवस्था है कि भगवान की? किसकी व्यवस्था है? भगवान की। और सूर्य भगवान पृथ्वी से बराबर दूरी बनाए हुए हैं। अगर 2 मीटर भी और नज़दीक सूर्य भगवान पृथ्वी के आ जाएं, तो पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि वो जलने लग जाएगी। ये बराबर की दूरी की व्यवस्था सूर्य भगवान के और पृथ्वी के कौन बनाए हुए है? आपकी व्यवस्था है। अमेरिका, इंग्लैंड या भारत की व्यवस्था है या चाइना की व्यवस्था, किसकी है? भगवान की। ये भगवान की व्यवस्था है। इतनी बाढ़ आती है, इतना पानी बरसात में आता है, समुद्र में मिल जाता है। समुद्र अपने स्तर को, अपने लेवल को मेंटेन रखता है, आगे नहीं बढ़ता है। ये व्यवस्था किसकी है? आपकी है या भगवान की? भगवान की। अगर थोड़ी सी सुनामी आ गई थी जापान में, जब वहाँ भूकंप आया था, समुद्र ने अपना स्तर छोड़ दिया था, जापान की गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे। आप लोगों ने वो दृश्य देखा होगा टीवी में। तो छोटी सी व्यवस्था भगवान अगर थोड़ा सा हिला दे, हाँ, अभी भूकंप आया नेपाल में, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ है। तो महाराज, ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान व्यवस्थित किए हुए हैं, इसलिए हमारी छोटी सी व्यवस्था को लेकर के अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान की व्यवस्था में हमारी व्यवस्था बहुत छोटी है। और हमारे गुरुजी विनोद में कहते थे, ये जो पवन देवता है ना, वायु देवता, ये कभी मेडिकल नहीं लगाते, छुट्टी नहीं लेते। ये व्यवस्था किसकी है? अगर वायु देवता मेडिकल लगा दें आधा घंटे के लिए, तो हमारा आपका सबका क्या होगा? क्या होगा? गोविंदा नमो नमः हो जाएगा। ये भगवान की व्यवस्था है। हम और आप तो मेडिकल लगा देते हैं, चलो कथा सुननी है या शादी में जाना है या कहीं जाना है, लेकिन वायु देवता कभी छुट्टी नहीं लेते। ये भगवान की व्यवस्था है। तो अपनी छोटी मोटी व्यवस्था को लेकर के अभिमान मत करो, ये इस कंध में समझाया जाता है। कई बार होता है, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था की, हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की। तो महाराज, भगवान की सेवा करना अपना काम है। भगवान ने जो शक्ति दिया है उसको सबकी सेवा में सदुपयोग करना, ये व्यक्ति का कर्तव्य है। भगवान उससे प्रसन्न होते। महाराज, इसके प्रारंभ में महाराज पूछते हैं, राजा परीक्षित स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, जो प्रियव्रत, वो बड़े धर्मात्मा हैं और भगवान के भक्त हैं, जन्मजात भगवान से बड़ा प्रेम है, फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश क्यों किया? बड़ा सुंदर प्रश्न करते। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्म बंधः पराभवः। प्रियव्रत जो स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, बोले बचपन से ही भगवान के बड़े प्रेमी थे, बड़े भक्त थे, फिर ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश क्यों किए? अगर इतने प्रेमी थे, भक्त थे, शास्त्र में लिखा है 25 साल तक विद्या अध्ययन का समय होता है, एजुकेशन का समय होता है। 25 साल के बाद अगर आपको संसार में आकर्षण है तो विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जाइए, परिवार की व्यवस्था करिए, समाज की व्यवस्था करिए। और संसार में आकर्षण नहीं है तो विद्या अध्ययन के बाद आप सीधे संन्यास के रास्ते पर चले जाइए, गृहस्थ आश्रम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो वहाँ से निकलना ही है। जहाँ से बाद में निकलना है, आप पहले ही क्यों जाएं? तो महाराज कहते हैं, ये तो बड़े भारी भक्त थे, क्यों गए गृहस्थ आश्रम में? बोले क्यों? बोले गृहस्थ आश्रम में सुख कम है और दुख ज़्यादा है। ये सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, राजा परीक्षित आप लोगों का क्या अनुभव है? क्यों भाई, भागवत में लिखा है सुख कम है दुख ज़्यादा है, आप लोगों का क्या अनुभव? सही लिखा है? हाँ, सही है ना? तब तो आप लोग जा चुके, अब तो कोई उपाय है नहीं।
जो नहीं गए उनको थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए। तो कहते हैं वो क्यों गए, जब भगवान के भक्त थे, प्रेमी थे, तो क्यों गए गृहस्थाश्रम में जहाँ झंझट ज़्यादा हैं, समस्याएं ज़्यादा हैं। सुखदेव जी महाराज बहुत ज़ोर से हंसते हैं, बोले राजन बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और वो सही में नहीं जाना चाहते थे, वो तो जंगल में भजन कर रहे थे। 25 साल के जब हो गए, उनके पिता स्वयंभू मनु गए, बेटा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, विवाह का समय हो गया है। उन्होंने मना कर दिया, नहीं पिताजी मेरी कोई रुचि नहीं, मेरे को भगवान के भजन में रस आ रहा है, मेरे को गृहस्थाश्रम में नहीं जाना। पिताजी को मना कर दिया तो पिताजी अपने पिताजी को लेकर पहुँच गए, स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी को लेकर पहुँच, आप समझाओ ये विवाह नहीं कर रहा है, आप समझाओ। माने जिन्होंने विवाह कर लिया है ना, वो जानते हैं ये भी विवाह कर ले, क्योंकि जो हम भोग रहे हैं ये कैसे बचेगा इसको भी वहीं लाओ। कई लोगों को मैं देखता हूँ, जब बच्चा विवाह नहीं करेगा तो बहुत समझाएंगे, मित्र वर्ग से समझाएंगे, दादा से समझाएंगे, गुरु जी से समझाएंगे, जब विवाह कर लेगा तब बड़े प्रसन्न होंगे, अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे, अब पता लगेगा इसको। हाँ माने हम गए तो गए, ये भी गए आप, क्या लोगों की मानसिकता है। ब्रह्मा जी को ले आए, दादाजी को, उनके ग्रैंडफादर को, आप समझाइए ये विवाह नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी बड़े विलक्षण भाव से समझाते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भयं प्रमत्तस्य बने स्वपिष्यात् यतः शास्ते सहस्रपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मनपेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। अरे बेटा, अगर किसी के जीवन में काम क्रोध लोभ विद्यमान है तो जंगल में भी रहेगा तो भी उसके जीवन का कोई ज़्यादा भला होने वाला है नहीं, और अगर किसी के जीवन में काम क्रोध लोभ नहीं है तो गृहस्थाश्रम में आएगा तो भी उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए तुमको विवाह कर लेना चाहिए। उनको तो सृष्टि बढ़ानी है, ब्रह्मा जी को तो वैसे ही सलाह देंगे। ब्रह्मा जी के कहने के बाद भी प्रियव्रत ने हाँ नहीं किया, लेकिन तब तक उनके गुरु जी आ गए, नारद जी आ गए। प्रियव्रत के गुरु जी कौन है? सबसे ज़्यादा जिनका घर छुड़ाने वालों में सबसे ज़्यादा नाम है नारद जी का। हाँ, जिन जिन लोगों का घर छूटा वो नारद जी ने छुड़ाया। नारद जी आ गए, वो बोले गुरुदेव क्या करूं, पिताजी कह रहे हैं, पितामह कह रहे हैं विवाह करूं, मेरी तो इच्छा है नहीं। अब नारद जी भी तो ब्रह्मा जी के बेटे, अब वो पिताजी का स्वयं विरोध कैसे करें। नारद जी ने इशारा किया, बेटा अब क्या करें, हमारे भी पिताजी वही, तुम्हारे भी पिताजी वही, अब विवाह कर लो और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं देख रेख रखूँगा। तब प्रियव्रत ने विवाह किया।